चलो तो आज बनाते हैं टेस्टी से बेसन के लड्डू, जिसके लिए हमें 2 कप बेसन, 2 कप बूरा, 1 कप घी और कुछ ड्राई फ्रूट्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलो अब हम अपने घी को डालते हैं अपने बर्तन में। चलिए हमारा घी डल गया, घी गर्म हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे अपना बेसन, और अपने बेसन को हमें स्लो आँच में धीरे 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 भूनना आएगा अच्छे से कम हमें बेसन भूनने में आधा घंटा भी लग सकता है, पूरे बेसन का कलर चेंज हो जाए हमें जब तक इस बेसन को भूनना है बिल्कुल धीमी आंच पे। देखिए हमारा बेसन कितना अच्छे से भून रहा है ना, ये हो गया हमारा बेसन काफी। ये देखो कितना डो हमारा लिक्विडी होता जा रहा है धीरे धीरे। अब इसमें हम यहीं पे कर देंगे ड्राई फ्रूट्स ऐड, इसी के साथ में हमने अपने ड्राई फ्रूट भूनने हैं, बहुत अच्छे धीरे धीरे स्लो आँच में भूनते हैं और बहुत अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं। ये देखिए हमारा बेसन हो गया बिल्कुल रेडी। जब हमारा बेसन अच्छे से रेडी हो जाए तब हमने लगानी इसमें पानी के कुछ छींटे, ताकि ये बेसन है उससे दरदरा हो जाता है, जब ये लड्डू हमारे दानेदार और बढ़िया बनते हैं। चलिए तो हमने लगाई पानी की छींटे, तो अब हमारा बेसन हो गया रेडी, और इसको हमें अच्छे से इसके बाद में कूल करना है, ठंडा करना अच्छे तरीके से। जब ये ठंडा हो जाए जब ही हम इसमें अपना बूरा मिलाएंगे। अब ये हो गया अच्छे से ठंडा, अब हम इसमें अपना बूरा मिलाएंगे। बूरा मिला के अच्छी तरीके से हमें बस अपने लड्डू तैयार कर लेने हैं, और लड्डू तैयार करें आप भी बनाएं खाएं, और अगर अच्छे लगे तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। ये देखिए हमारे टेस्टी से लड्डू हो गए हैं रेडी।